मत बनाना एल्विस यादव के ऊपर रिप्लाई वीडियो थ्रू, हम लोग शांति चाहते हैं, तुम लोग दोस्ती कर लो, क्यों इन कंट्रोवर्सीज में हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अरे ये लोग क्या जाने YouTube का मतलब, इनको तो लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है। हम लोगों का एक चारा रहता था YouTube, जहाँ पर हम लोगों का मनोरंजन हो जाता था, पर ये लोग वहाँ भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स पहले पढ़े हैं। अरे भाई अगर पढ़ना ही होता तो दिल्ली ना चले जाते। तुम लोग आपसी लड़ाई में क्यों हम लोगों का बैंड बजाने में लगे हुए हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी दोनों लोग गले मिलो और इस लड़ाई को यहीं शांत करो। वेक अप टू रियलिटी। ये राठी, मैं बीजेपी का दल्ला तो तू भी आम आदमी पार्टी का पिल्ला। तुझे क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो हेलो गाइस, अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों चला आया। अब जब पता चल गया है तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी गाली गलौज के। आइए देखते हैं मजा आएगा। हाँ तो भाई एल्विस यादव, आज मुझे जोगिंदर की बात सच लगने लगी। हाँ वही थारा भाई जोगिंदर वाला जोगिंदर, आज मुझे इसकी ये बात बिल्कुल सच लगने लगी। एल्विस ने भाई, एल्विस को जोगिंदर का नाम चाहिए था, ठीक है। एल्विस ने मेरे को रोस्ट मारा था पहली बार। अब क्योंकि जब उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोला नहीं, उसका तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, जो मैटर था वो पहले ही सॉर्ट आउट हो चुका था, उसके बाद ये वीडियो डालने का क्या मतलब बनता है? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। और अगर इतना ही प्योर वीडियो डालना था तुमको तो वीडियो में तीन तीन प्रमोशन ही ना लेते। मतलब हम व्यूज की मलाई तो खाएंगे ही, लेकिन प्रमोशन का भी पैसा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है? बात तो सही है। दौड़ा। या तो सिर्फ एक लाइन का बदला लेने के चक्कर में तुमने 40 मिनट की वीडियो बना डाली। अरे यार तू यादों है यादों, तुझे बुरा लगा था तो तू डायरेक्ट बोलता ना वहां जाके कि राठी मैं बीजेपी का दल्ला तो तू भी आम आदमी पार्टी का पिल्ला। तुझे बोलना चाहिए था ना खुल के। अब मुझे जोगिंदर की बात इसलिए सच लग रही है क्योंकि इनके जो दो तीन महीने पहले वीडियो पड़े उनमें व्यूज देखी, उसके बाद इस वाले वीडियो में व्यूज देखी। मतलब कहीं ना कहीं गुरु मलाई खाने तो आए ही हो। ओह माय गॉड, वाओ। अब एल्विस यादव की वीडियो आई है ध्रुव राठी के ऊपर, अब ध्रुव राठी देगा रिप्लाई वीडियो इनके ऊपर, फिर ये रिप्लाई वीडियो देंगे, फिर वो रिप्लाई वीडियो देगा। अबे क्यों दिमाग का दही कर रहे हो, तुम लोगों के पास कंटेंट नहीं बचा है क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? एक तो ध्रुव राठी एक महीने से दिमाग का दही करे पड़ा है, पूरी डिटेल हिस्ट्री समझा रहा है लोगों को। अब उसके बाद तुम्हारा वीडियो देख कर थोड़ा बहुत हम लोगों का मनोरंजन हो जाता था तो तुम भी इसी लाइन में आ गए, तुम भी पूरा हिस्ट्री और पॉलिटिक्स समझाए पड़े हो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? अबे अगर यूट्यूब में तुम लोगों से यही सब डिटेल पढ़ाई पढ़नी होती, ज्ञान सुनना होता तो हम भी दिल्ली नहीं चले जाते, आईएएस वाईएएस नहीं बन जाते, देश का नाम नहीं रोशन करते। या फिर तुम्हें इतना ही दिमाग अपना खपाना है हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में, तो एक काम करो यूट्यूब छोड़ के तुम्हें दिल्ली चले जाओ, अबे आईएएस वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो। क्योंकि इतना दिमाग लगा रहे हो, अगर वहां लगा देते तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे तुम दोनों के दोनों। कम से कम इस यूट्यूब में फैलती हुई गंदगी से तो हम लोग बचेंगे। यार भाई मेरी तुम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब में हम लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, यहाँ पर व्यूज के चक्कर में कॉन्ट्रोवर्सी करके और डिबेट कॉम्पिटिशन शुरू करके यहाँ इसको पार्लियामेंट मत बनाओ, इसको यूट्यूब ही रहने दो। खराब हो जाएगा, मैं बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बाकी कौन किसके बारे में कितना सच बोल रहा है वो तो हम गूगल कर ही लेंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बताओ गाइस कमेंट में, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।